अगर आप एनिमीज के रिगार्डिंग कंटेंट काफी ज्यादा कंज्यूम करते हो तो काफी हाई चांसेस है कि आपने पैरासाइट द मैक्सिमम नामक सीरीज देखी होगी, जो कि मेरे ओपिनियन में एक मास्टरपीस लेवल की सीरीज है। जहां वो सीरीज का प्रेजेंटेशन, उसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा तगड़ा है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं उस सीरीज की बात क्यों कर रहा हूं, तो रिसेंटली हमें नेटफ्लिक्स के ऊपर एक वेब सीरीज देखने को मिलती है जिसका टाइटल है पैरासाइट द ग्रे, जो कि इसी का एक स्पिन ऑफ सीरीज है। और आज की वीडियो में हम उसी सीरीज को रिव्यू करने जा रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, और आप देख रहे हैं मोटल प्रिज्म। अब पैरासाइट एक एक्शन थ्रिलर सीरीज है जहां पर हमें इसके टोटल 6 एपिसोड देखने को मिलते हैं। और हाँ, ये सीरीज आपको हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, जहां पर मेरे ओपिनियन में इसका जो हिंदी डब है वो काफी डिसेंट है। जहां पर इन सब से हट के अगर मैं सीरीज के प्लॉट की बात करूं, तो सीरीज के अंदर में ऐसे कई सारे पैरासिटिक वॉर्म्स देखने को मिलते हैं जो कि दुनिया के अलग अलग कोने में फैले हुए हैं। जहां पर ये पैरासिटिक वॉर्म किसी भी इंसान के ऊपर अटैक करके उसके ब्रेन को खा जाते हैं और फिर उस बॉडी को टेक ओवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस बॉडी को यूज करते हैं। जहां पर इस सीरीज के जो मेन कैरेक्टर रहती है, जो कि एक फीमेल कैरेक्टर ही रहती है, उसके ऊपर भी ऐसा ही एक पैरासिटिक वॉर्म अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके ब्रेन को कब्जा नहीं कर पाता है, जिसके चलते वो पैरासाइट उसके बॉडी के साथ मर्ज हो जाता है। अब उसका रीजन क्या है वो आप सीरीज के अंदर देख लेना, और इस दौरान आगे स्टोरी में क्या होता है और उस कैरेक्टर के साथ क्या होता है वो सारी चीजें जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। जहां पर 6 एपिसोड के अंदर ये सारे कंटेंट को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, चीजें काफी फास्ट पेस में बढ़ रही थी। जहां पर मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़े और एपिसोड लेकर सीरीज में जो कैरेक्टर्स है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए था, लेकिन 6 एपिसोड के अंदर जो भी स्टोरी हमें प्रेजेंट की है, मुझे तो पर्सनली वो देखकर बोर फील नहीं हुआ। अब इन सब के अलावा मैं अगर सीरीज के एलिमेंट्स के ऊपर बात करूं, तो यहाँ पर हमें जो स्टोरी दिखाई जाती है वो इसके ओरिजिनल सीरीज से कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब जो एनिमे वाली सीरीज थी वो जापान में सेट थी, और ये सीरीज जो है वो कोरिया के ऊपर सेट है। वैसे इससे मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि ऐसा एक कॉन्सेप्ट भाई इंडिया के ऊपर भी बन सकता है, वो वर्जन मैं देखना चाहूंगा। वैसे ये सारी चीजें इग्नोर करते हुए अगर करेंटली ये सीरीज के ऊपर बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें चेंज है। जहाँ पर जो भाई एनिमे सीरीज थी वो कभी पैरासाइट के ऊपर उतना फोकस करती ही नहीं है, वो उसका हमेशा से सेकेंडरी एलिमेंट रहा है। तो वहाँ पर ओरिजिनल सीरीज में वो ज्यादातर भाई मेन कैरेक्टर और उसके साथ साथ उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट, साथ ही साथ जो इंसान दिखाए जाते हैं उनके इमोशन, ह्यूमन बिहेवियर, उस पर ज्यादा फोकस करती है। लेकिन ये जो सीरीज है पैरासाइट द ग्रे, यहाँ पर कैरेक्टर्स पर ज्यादा फोकस ना करते हुए यहाँ पर पैरासाइट पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट की गई है इन पैरासाइट से डील करने के ऊपर, उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। और जो स्पेशल फोर्स क्रिएट की गई रहती है उसी का नाम द ग्रे रहता है, इसीलिए सीरीज का नाम पैरासाइट द ग्रे है। अब यहाँ पर एक जगह तो भाई इंसानों ने ऐसा स्पेशल फोर्स क्रिएट किया है ताकि इन पैरासाइट से डील कर सके, तो दूसरी ओर पैरासाइट ने भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है ताकि वो इंसानों से बच सके। जहाँ पर ये टेक काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन ये सारी चीज जो है वो एक्शन और थ्रिल में ही आगे निकल गया, जबकि यहाँ पर जो ड्रामा वाला एलिमेंट है ना वो थोड़ा मुझे मिसिंग लगा सीरीज के अंदर। लेकिन जो हमें सीरीज के अंदर एक्शन देखने को मिलते हैं वो लाजवाब है। अब हमें हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन सीन देखने को मिल जाते हैं जिसे काफी अच्छी तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है, जहां पर हमें कुछ कुछ जगह पर तो लॉन्ग टेक भी देखने को मिलते हैं। और जहां पर इन सारी चीजों को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, चाहे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात कर ले या फिर जो यहाँ पर सीजीआई को लेकर यूज करते हुए फाइट को प्रेजेंट किया गया है, चीजें काफी फास्ट तो लगती है लेकिन देखने में मजा भी बड़ा आता है। और एक्शन के मामले में तो मुझे सीरीज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। बाकी अगर मैं वीएफएक्स और सीजीआई एलिमेंट की बात करूं, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ वो सीरीज के अंदर काफी वीक लगा, क्योंकि ये जो है नेटफ्लिक्स के सीरीज के स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें जो हमें सीजी एलिमेंट देखने को मिलता है वो उतना बेहतरीन नहीं है, लेकिन जो भी चीज प्रेजेंट की है वो सीरीज के हिसाब से काम कर जाती है। जहां पर एक चीज तो क्लियर है, चाहे ये सीरीज कैसे भी क्यों ना हो, ये भाई ओरिजिनल सीरीज के लेवल को बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाती है। जहां पर जो एनिमे वाली सीरीज है वो एक मास्टरपीस सीरीज थी, और जिस तरीके से उसमें चीजों को प्रेजेंट किया जाता है वो काफी बेहतरीन था। ऑन दी अदर हैंड ये जो सीरीज है वो उस तरीके से चीजों को प्रेजेंट नहीं करती है, और इसका मेजर ऑफ फोकस जो है वो पैरासाइट्स के ऊपर ही होता है, लेकिन स्टिल एज अ लाइव एक्शन सीरीज के तौर पर जो कंटेंट हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है वो काफी डिसेंट था। स्पेशली ये सीरीज उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी जो कि इस यूनिवर्स के रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज नहीं रखते हैं, और इसीलिए वो इस सीरीज को काफी ज्यादा एंजॉय भी करेंगे। लेकिन अगर आप उन ऑडियंस में से आते हो जिन्होंने इसकी ओरिजिनल सीरीज यानी कि वो एनिमे वाली सीरीज देख रखी है, तो काइंड ऑफ आप इस सीरीज को लेकर थोड़े डिसअपॉइंट होंगे। वैसे भी इस सीरीज में कोई भी न्यूडिटी वगैरह या फिर सेक्सुअल सीन्स नहीं है, लेकिन स्टिल इसमें काफी ज्यादा गोर, ब्लड और काफी वो आर रेटेड सीन्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उस हिसाब से तो मैं ये सीरीज फैमिली साथ तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। तो ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू ओवर द सीरीज पैरासाइट द ग्रे। होप करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आप इसी तरह की फ्यूचर कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।